भारत ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारत के दुश्मनों के लिए अब एक ऐसी खबर है जिसे सुन उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। दरअसल दुनिया के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत एक बार फिर 114 फाइटर जेट्स को अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। ये विमान वैसे विमान होंगे जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भारत के लिहाज से चीन और पाकिस्तान को मात देने में सबसे बेहतर साबित होंगे। इन विमानों की लिस्ट में अमेरिका के 3, फ्रांस का 1 और स्वीडन का 1 लड़ाकू विमान मैदान में है। इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के जरिए वायुसेना लगातार कम होते लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा कर पाएगी। माना जा रहा है कि ये पूरी महाडील करीब 20 अरब डॉलर की हो सकती है। इस डील की दौड़ में फ्रांस का राफेल, अमेरिकी कंपनी बोइंग का F-15EX और F-18 और लॉकहीड मार्टिन का F-21 लड़ाकू विमान शामिल है। आपको बताएं तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन के साथ भारत की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत अपने 114 विमानों की खरीद में तेजी लाना चाहता है। हालांकि इस समझौते को लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि जिस किसी भी विमान को भारत अपनी सेना में शामिल करने के लिए मुहर लगाएगा उसमें अधिकतर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। अब जरा इन विमानों की खासियतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात राफेल की करें तो फ्रांस में बना राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर विमान है। इस विमान को 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। इस विमान की अधिकतर रफ्तार 4.5 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी है। इस विमान की क्षमताओं के बारे में बात करें तो ये 3,700 किलोमीटर की दूरी में हवा से हवा और हवा से जमीन पर दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के FA-18 Block 3 सुपर हॉर्नेट जेट की बात करें तो ये एक डबल इंजन वाला विमान है। FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान दशकों से अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। इस विमान की खासियतों के बारे में बात करें तो ये 2,500 पाउंड के वजन के साथ हवा में तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। सुपर हॉर्नेट जेट भी हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इस श्रेणी में तीसरा विमान है बोइंग का F-15EX फाइटर जेट। अमेरिकी सेना में ये विमान 1970 के दशक से सेवाएं दे रहा है। ये विमान भी अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियतों के बारे में बात करें तो ये लंबे समय तक यानी अपने जीवन काल में 20,000 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इस अमेरिकी विमान को सबसे तेजी से अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसे में भारत इस वक्त दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और बेहतर विमानों के विकल्प पर विचार कर रहा है, और अगर ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में पड़ोसी चीन हो या पाकिस्तान, उनके जहन में टेंशन बढ़नी तय है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।